मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल अब इतना गर्मा चुका है कि मुमरा कौसा में रात हो या दिन चुनावी सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे में ही इस एक तरफा होती जा रही लड़ाई को त्रिकोणीय लड़ाई में बदलने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी के प्रचार की कमान संभालने के लिए दिल्ली से ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमानतुल्ला खान साहब मुमरा आए हैं। पिछले 3 दिनों से उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा जाती तौर पर वो मुमरा कौसा में सामाजिक, धार्मिक और रसूखदार लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। आइए, कलवा मुमरा विधानसभा के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए आए हुए जनाब अमानतुल्ला खान साहब से आज हिंदुस्तानी रिपोर्टर में बातचीत होगी। अमानतुल्ला खान साहब, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। 3 दिन हो गए आप चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आए हैं, कैसे माहौल लग रहा है आपको? आपके उम्मीदवार की क्या पोजीशन दिखाई दे रही है और किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जो हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर अल्तमश साहब, वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं और आम आदमी पार्टी ने ये सोच करके, क्योंकि इस सीट की आबादी 50% मुस्लिम है और हमारा ये मानना है कि जहाँ जिस कम्युनिटी का 50% अगर वोट है तो सीट उस कम्युनिटी की होनी चाहिए, उस नुमाइंदगी उस कम्युनिटी की होनी चाहिए। तो मैं जब यहाँ आया तो आने के बाद मैंने ये महसूस किया, क्योंकि यहाँ 50% मुस्लिम है और शिवसेना और NCP का कैंडिडेट 50% पे दोनों लड़ रहे हैं और अल्तमश साहब जो हैं, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो 50% पे लड़ रहे हैं और हम इसको कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम पूरी तरह से कामयाब दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे यहाँ लोगों से बात हो रही है, हर किसी का ये मानना है कि भाई हम में से हमारा विधायक होना चाहिए, हमारा ईमान वाला भाई होना चाहिए, हमारे बीच का होना चाहिए कि हमारी तकलीफ़ में हमारे साथ खड़ा हो, हर आदमी ये कहता हुआ नज़र आ रहा है। और जो NCP के जो विधायक रहे हैं उनके जुल्म से भी लोग यहाँ परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिले आकर के, कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम खुलकर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हम खुलकर आएंगे तो वो आदमी हमारे कारोबार को ख़त्म कर देगा, हमारी बिल्डिंगें गिरवा देगा, हम पर झूठे केस लगा देगा। अब से पहले भी इस तरह की चीज़ें उसने की हैं, वो एक तरह का उसका खौफ और डर है। और यहाँ आवाम हर हालत में अपना कैंडिडेट चाहती है, अपने कौम का कैंडिडेट चाहती है, अपने बीच का कैंडिडेट चाहती है। और यहाँ पर उलमा भी अपील कर रहे हैं, आवाम भी अपील कर रहे हैं और यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ना तो अमानतुल्ला यहाँ लड़ रहा है, ना फैजी साहब यहाँ लड़ रहे हैं। यहाँ का हर एक मुसलमान बच्चा, मुमरा का हर एक मुसलमान बच्चा, हर एक आदमी, हर एक औरत खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। ये तो पिछले 3 दिनों में आपने यहाँ पर मुमरा कौसा में जो जनसभाएं की, जो लोगों के बीच में आप गए, जातिगत तौर पर आपने जो मुलाकातें की, ये उसका निचोड़ था। लेकिन जो जनसभाएं आपने की, जैसे आप आज रशीद कंपाउंड भी गए थे, इससे पहले आप आते ही पहले आपने अमृतनगर की जनसभा को संबोधित किया था, फिर शरीफा रोड की भी जनसभा को आपने संबोधित किया था, तो इन जनसभाओं में आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, आपके उम्मीदवार को क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बड़ी मोहब्बत मिल रही है और जो भी जनसभा में आ रहा है और हमारी बात सुन रहा है वो 100% हमारा सपोर्टर होकर, कन्वर्टेड होकर के जा रहा है। तो आज जनसभाओं से जिस तरह से मोहब्बत, जिस तरह से प्यार, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, तो उसे देखकर लगता है कि मुमरा में 80-90% वोट एक तरफा जो है फैजी साहब को डलने जा रहा है। अमानतुल्ला खान साहब, पूरे चुनाव का निचोड़ जो है आपके आने के बाद इन 3 दिनों में आपके ऑब्जर्वेशन ने बताया है, तो क्या ये माना जा सकता है कि आपकी पार्टी, आपका उम्मीदवार ये सीट जीतने जा रहा है? बिल्कुल, हमारी सीधी सीधी फाइट यहाँ शिवसेना से है, क्योंकि कलवा का वोट शिवसेना को पड़ने जा रहा है और मुमरा का वोट आम आदमी पार्टी के डॉक्टर फैजी साहब को पड़ने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कल आज जिस तरह से
लोग आए हैं, जहाँ जहाँ फैजी साहब और हम गए हैं, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें उलमाओं का, डॉक्टरों का, पढ़े लिखे लोगों का और यहाँ की आवाम का जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह की तरफ से कोई फैजी साहब की मदद आ रही हो। और ये जिस तरह से बिल्कुल तब्दील, दो तीन दिनों के अंदर जिस तरह से पूरा इलेक्शन तब्दील हुआ है, कल हमारी जो है एक रैली है, आप देखना, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा इलेक्शन। और ये सीट मुमरा के लोग अपने कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही आवाज़ है कि आज तक 50% मुसलमान वोट होने के बावजूद भी आज तक यहाँ कोई मुसलमान नहीं जीता, तो इस मर्तबा हर किसी की ज़ुबान से यही आवाज़ है, हम अपना कैंडिडेट जिताएंगे, क्योंकि हम 50% हैं, नुमाइंदगी हमारी होनी चाहिए। और जहाँ जिसकी, अगर कहीं दलित 50% है तो उसकी नुमाइंदगी होती है, कहीं जाट 50% है तो उसकी नुमाइंदगी होती है, कहीं अगर ब्राह्मण 50% है तो उसकी नुमाइंदगी होती है, अगर यहाँ मुसलमान 50% है। और आम आदमी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट को सिर्फ इसीलिए टिकट दिया कि 50% पर नुमाइंदगी का हक बनता है इस कम्युनिटी का, मुसलमानों का, इसलिए हम चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ पर जीत कर आए और इन लोगों की तकलीफ़ में, परेशानियों में काम करे। आज यहाँ स्कूल नहीं है, आज यहाँ अस्पताल नहीं है, आज यहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, आज यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तो अगर यहाँ का, इनके बीच का कोई कैंडिडेट अगर जीत कर आएगा तो इनके मसाइल पर काम करेगा, इनकी तकलीफ़ों के साथ खड़ा होगा। और इस चीज़ को मुमरा के लोग महसूस भी कर रहे हैं और पूरी तरह से बग़ैर पैसे के सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जैसे पता चल रहा है कि वो जगह जगह जा कर के पैसे बांट रहा है, 5 साल वो लोगों के बीच में नहीं आता, सिर्फ 5 साल तक डराता है, और लास्ट में उसका मानना ये है कि मैं पैसे बांटूंगा। लेकिन मेरा जो मानना है, मुझे ये लगता है कि इस मर्तबा जो ठेकेदार हैं, सिर्फ वो तो पैसे से ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन मुमरा की आवाम अपने ईमान को इस मर्तबा नहीं बेचेगी। उनके ईमान की कैफियत ये है कि वो खुद से पैसे खर्च करके, अपनी ज़ात से पैसे खर्च कर रहे हैं और वो फैजी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, पर्चे बनवा रहे हैं, खुद से खाना खिला रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, और कहते हैं कि मोटरसाइकिलों में पेट्रोल खुद डला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसका जो पैसे वाला खेल है वो इस मर्तबा चलेगा, और अगर कोई पैसे लेगा भी तो वोट वो आम आदमी पार्टी को ही देगा। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।